पेशेंट मिस्टर नंद किशोर जी मेट्रो हॉस्पिटल में 3 अक्टूबर को एडमिट हुए थे हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक के साथ साथ इनको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। इनके वेंट्रिकुलर सेप्टम रप्चर हो गया था और एलवी रप्चर हो गया था, एलवी एनुरिज्म हो गया था, और इन पेशेंटों को इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैसिव ब्लीडिंग हो सकता है जिससे पेशेंट इमीडिएटली कलैप्स हो सकता है। जो पेशेंट है वो मेरे पिताजी हैं। इनको अचानक से चेस्ट में पेन हुआ था, उसके बाद इनको हमने यहाँ पे भर्ती कराया है। ये नस टाइट हो गई थोड़ी सी, टाइट होने के बाद में अब ये फिर ये नस यहाँ दर्द बन गया। ये यहाँ दर्द बनने के बाद में फिर ये यहाँ दर्द बन गया। इनको हार्ट अटैक हुआ था और इनके दिल में छेद हो गया था हार्ट अटैक की वजह से। यह एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है और हमें इमरजेंसी में इनको ऑपरेट करना था। ऐसे 10,000 में शायद एक केस होते हैं और इनकी प्रोग्नोसिस भी बहुत पुअर होती है। बावजूद इसके हमारे सर्जन के सहमति से हम लोगों ने मरीज़ को रात के 9-9:30 बजे ऑपरेशन में लिया। पेशेंट का उसी दिन रात को सर्जरी किया गया जो तकरीबन 8-10 घंटे चला, क्योंकि हार्ट अटैक के बाद जो हार्ट का मसल होता है काफ़ी नाजुक होता है, उसमें सूचर टांके लगाने भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। इट वाज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी। और जो भी इनकी देख देख हुई है और जो डॉक्टर साहब ने जो भी किया है बहुत अच्छे से किया है। अब ये फ़िलहाल ठीक हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है जी, और जो स्टाफ भी यहाँ का बहुत अच्छा है, और डॉक्टर साहब के लिए थैंक्स, उन्होंने बहुत अच्छे से केयर की और पिताजी इनकी, अब वो फिलहाल ठीक हैं। ऑपरेशन के बाद से एक स्मूथ रिकवरी हुई है और आज तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं और नाउ पेशेंट इज बीइंग डिस्चार्ज इन स्टेबल कंडीशन।